हेलो स्टूडेंट्स, इट इज अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ अराउंड 3.5 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड ऑफ कोर्स 15 डेज फ्रॉम अक्टूबर। अब अक्टूबर का जो मंथ है दैट इज ऑलरेडी व्हाट वी कॉल एज ओवर, राइट? व्हाई आई एम टेलिंग यू इज जो आपका फेस्टिवल सीजन है दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली, आप सब जो है फेस्टिवल के लिए तैयार होंगे, तो दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू हैव मच टाइम इन अक्टूबर। ठीक है, तो अब द क्वेश्चन कम्स कि अब मैं क्या करूं भाई, मैंने तो पूरा साल अपना निकाल दिया, नाउ ओनली 3 मंथ्स आर हार्डली लेफ्ट इन माई बोर्ड्स और इतना सारा सिलेबस, हाउ कैन आई कवर अप ऑल दी सिलेबस? मैं एक साथ अब कैसे करूंगा भाई? तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स एंड फर्स्ट थिंग इज आई डोंट कॉन्ट्र मतलब कि मैं जो हूँ किसी को कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसी के लिए नहीं देती हूँ, सबकी अपनी एक सबका अपना एक तरीका होता है, बट ऑफ कोर्स वन की पॉइंट इज, आपका एक की पॉइंट होता है और वो है प्लानिंग, और दूसरा की पॉइंट हमारा होता है दैट इज आपका प्रैक्टिस। जैसे वी से प्लानिंग एंड सॉरी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम बोलते हैं ना इस चीज को। तो अब ये जो प्लानिंग है, अब ये प्लानिंग में आधी चीजें तो हमारी आधा मतलब कि तकरीबन 75% ऑफ द ईयर इज नाउ ओवर, तो हमारा प्लानिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं, बट हाउ वी कैन ब्रिज अप अ गैप और कैसे हम प्लानिंग और प्रैक्टिस को ले सकते। चलिए, अब आपके पास कितने मंथ हैं? यू हैव नवंबर, यू हैव दिसंबर एंड यू हैव जनवरी, राइट? बिकॉज इन फेब्रुवरी यू विल बी हैविंग द एग्जाम एंड देन यू विल बी हैविंग योर प्री बोर्ड्स, बीच बीच में आपके प्री बोर्ड्स होंगे, कभी आपके फेयरवेल होगा, कभी आपका बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स होंगे, तो हम जो है बफर करके चल रहे हैं, ये जो 15 15 दिन है इनको हम बफर करके चल रहे हैं, वी विल नॉट बी यू नो हम बिल्कुल टाइट फिटिंग में नहीं निकल के चल रहे हैं। और क्या करना है, एंड दिस इज नॉट फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और लैंग्वेज। देखिए बच्चा, आप आईआईटी की प्रिपेयर कर रहे हो, आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी या कुछ भी, जो मार्क्स होते हैं दैट हैज वो जो है इट हैज टू बी एटलीस्ट इतने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो मेरे 33% आ गए बहुत है तो नो। तो आपको जो है यू नीड फेयरली अ गुड स्कोर, और ऐसे कई बच्चे होंगे जो अभी तक सो रहे होंगे, इवन दे माइट बी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ ट्यूशंस, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होंगे, लेकिन उनकी तैयारी अगर आप पर्सनल लेवल पे करो तो कुछ भी नहीं होगा। एंड माई फोकस इज ऑलवेज ऑन अ पर्सनल लेवल, नॉट व्हाट द टीचर टीचेस। टीचर तो सबको पढ़ाती है, टीचर तो सबको करवाते हैं, देन व्हाई देयर इज वन चाइल्ड हु इज इन द टॉप लिस्ट एंड वन इन द बॉटम लिस्ट। तो देयर इज ऑलवेज दिस, और हम उस गैप को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अब आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स है, वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव, वेदर यू आर बिलोंगिंग टू साइंस, यू आर बिलोंगिंग टू कॉमर्स और यू आर बिलोंगिंग टू ह्यूमैनिटीज, राइट? अब आपके पास कुछ आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट? यू माइट बी हैविंग से अगर आपका साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो इनमें से कोई एक आपका स्ट्रांग होगा और एक आपका बहुत वीक होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो नवंबर का जो मंथ है उसमें हमने पहला जो हमारा स्टेप है, जो हमारा पहला लैडर है उसका पहला स्टेप है स्टडी द वीकेस्ट एंड टफेस्ट टॉपिक्स
जो आपको लगता है टफेस्ट चैप्टर्स या टफेस्ट टॉपिक्स, आपको जो लगता है आप उसको पूरा रिवाइज करें, टेक आउट भाई आपके इंग्लिश के अंदर। इफ आई टॉक, तो रीडिंग को छोड़ दीजिए, रीडिंग मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा कभी प्रैक्टिस नहीं करता होगा, आई बेट। लेट अस कम टू द राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर। तो किसी किसी का पोएट्री बहुत अच्छा होता है, किसी किसी का जो है राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा होता है। तो व्हेन यू आर डिवाइडिंग इट, आप देखिए कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, लाइक आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग्स आर टफ बिकॉज यू रिक्वायर गुड वोकैबुलरी, यू रिक्वायर मोर स्किल्स, यू रिक्वायर गुड वर्ड्स, तो आपको उन पर फोकस करना है, राइट? अब आप जो हो सेकेंड मंथ पे आ जाइए, राइट? इन द सेकेंड मंथ आप उल्टा कर लीजिए, दैट इज व्हेन यू आर कमिंग टू द दिसंबर। स्टडी द इजी एवरेज और शॉर्ट चैप्टर्स, जो छोटे चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़िए, या छोटे टॉपिक्स होते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट, मैंने जैसे इंग्लिश में बोला तो राइटिंग स्किल्स के अंदर हमारा आर्टिकल, रिपोर्ट और जो लेटर्स हैं दैट हम पहले वाले में प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेकेंड में हम लोग जो है नोटिस एंड शॉर्ट कंपोजिशन हमारा जो है दैट इज इन्विटेशन एंड रिप्लाईज वो हम कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स को लेते हैं लाइक बिजनेस स्टडीज को लेते हैं, तो जो हमारे चैप्टर्स थोड़े टफ है, लाइक हमारे सेकेंड बुक के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग फर्स्ट बुक से, देन आपका ऑर्गेनाइजिंग, ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, तो इनको हम फर्स्ट में दे सकते हैं और जो रिमेनिंग है उसको हम सेकेंड में दे सकते हैं। नाउ कम्स द बीच में आपके मे बी देयर माइट बी अ गैप। नाउ फॉर द थर्ड मंथ दैट इज आपका जो जनवरी है, जब तक आप मतलब उसमें पहुंच जाते हो, यू शुड प्रैक्टिस द टेस्ट सीरीज। आपका जो अब प्रैक्टिस है वो आपका टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपने करना, आपको इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। अगर आप पहले ही मंथ में सीधा PYQs पे चले जाओगे ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि आपको लगेगा ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो मुझे टॉपिक नहीं आता था, ये टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज स्टडी विद द वीकेस्ट और टफेस्ट चैप्टर, फिर इजी एवरेज वाले, फिर आपके जो टेस्ट सीरीज है या फिर आपके जो जहां पर भी वेर एवर यू आर स्टडिंग वहां आपके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स हो सकते हैं, या PYQs आप निकाल लो उनको आप पढ़ सकते हो। तो इसको आप जो हो प्लानिंग के अंदर लेकर आते हो एंड देन प्रैक्टिस के अंदर। अब आपके पास आता है डेज, राइट? 7 दिन है आपके पास, सबके पास है 7 दिन, आई थिंक एवरीवन इज हैविंग 7 डेज विद देम। तो लेट अस कम टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो मंडे को जो भी आप सब्जेक्ट्स लेते हो उनको भी डिवाइड कर, लाइक इफ यू आर हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है और एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा नहीं लगता, और उनमें से उन टॉपिक्स को आप लीजिए एंड देन डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू द डेज, और उसको आप जो हो पहले आपको जो है 2 दिन सिर्फ रिवाइज करना एंड तीसरे दिन आपको जो है उसको जो भी आपके छोटे छोटे से प्रैक्टिसेस हैं उनको देखना, नॉट द क्वेश्चन पेपर्स। सिमिलरली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपका है, ऐसे ही आप जो हो दो मतलब कि जो आपके बाकी दो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप दे सकते हो, एंड संडे को यू कैन कीप इट एज अ लाइट रिव्यू सबके सभी चैप्टर्स के जो है थोड़े थोड़े से, बिकॉज यू विल बी हैविंग मोर टाइम। यहाँ अगर आप 1 1 आवर दे रहे हो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, वहां पर यू मे बी एबल टू गिव 2 आवर्स, तो यू कैन टेक इट इन दैट वे एंड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस ये होते हैं उनको देखिए, मतलब जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना यहाँ पर, तो इनमें आप अपने एनसीईआरटी को भी ऐड कर लीजिए, बिकॉज एनसीईआरटी इज द की,
अगर कोई कहता है एनसीईआरटी की नहीं होता है तो दैट इज रॉन्ग. यू कैन यूज द माइंड मैप्स, आप माइंड मैप्स लिख सकते हो. इफ यू आर, अगर आप कहीं पर पढ़ते हो वहां से आपको नोट्स मिलते हैं तो आप नोट्स को ले सकते हो, यू कैन यूज द नोट्स. और इफ यू आर गेटिंग सम हैंडआउट्स आप उनको यूज कर सकते हो, राइट? तो इससे आपका क्या होगा, यू कैन, और आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास 4 हफ्ते हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 महीने में 4 हफ्ते हैं, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, वीकली चैप्टर टॉपिक्स दैट यू हैवंट स्टार्टेड, फिर चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे नहीं लगते फिर इजी, हमेशा मुश्किल से, सॉरी, वीक से स्ट्रांग पर जाओ, हमेशा वीक से स्ट्रांग पर जाओ, ठीक है? दिस इज द सेकेंड वन. अब हमारा एक और की आता है, विच वी कॉल एस, जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरा मेथड. मीन्स आपको जो है 25 मिनट्स, अगर आपके पास घड़ी है, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग अ टाइम ऑफ 30 मिनट्स, अगर आप 30 मिनट्स की अपनी सेल्फ स्टडी रख रहे हो रोज की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्यूशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लासेस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ स्टडी. तो यहाँ पर आपको जो है 25/5, या अगर आप 1 घंटे का लेते हो तो 14 45/45 एंड 15 मिनट्स, अगर आप आधे घंटे पढ़ रहे हो तो 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, एंड इफ यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर, अगर आपने 1 घंटा, और ये सब कुछ जो है द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बोथ, दैट इज वेदर इट इज क्लास 10th और 12th, एक बात याद रखना, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वॉच, स्ट्रिक्टली आपके पास वॉच होना चाहिए और इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना चाहिए. तो दैट मीन्स 25 मिनट्स आपकी जो है वो स्टडी टाइम होगा एंड 5 मिनट्स आपका ब्रेक. सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स आपका स्टडी टाइम होगा एंड आपका 15 मिनट का ब्रेक होगा. यानी कि अगर आप लॉन्ग आवर ले रहे हो तो यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेक, एंड अगर आप शॉर्ट स्टडी का शॉर्ट मतलब की करते हो तो शॉर्ट, बट दैट 30 मिनट्स शुड नॉट बी यूज फॉर एनीथिंग. आपका मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, आपके घर के दरवाजे नहीं खुले होने चाहिए, कभी आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, कभी आप कुछ और करने का ले जा रहे हैं, दैट शुड नॉट बी देयर. दैट 30 मिनट्स जो है दैट शुड बी ओनली ओनली एंड ओनली अलोकेटेड फॉर योर स्टडिंग, वो सिर्फ आपका स्टडी टाइम. उस दौरान आप ना लंच करोगे ना डिनर करोगे, नहीं मैम कोई आ गया था तो कोई कोई नहीं आएगा, एंड योर फोन शुड नॉट बी विद यू. अगर आपको फोन रखना भी है तो आप उसको एयरप्लेन मोड में रखिए, सो देट आप अपने टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट को लिख सकते हैं, राइट? इससे अब आपको क्या करना है, हाउ यू कैन डू इट, मतलब आप कैसे इस वीक और उसको लेकर चल सकते हैं. तो यू कैन मेक अ टॉपिक, मतलब आप जो हो एक लिस्ट बना सकते हो, और उस लिस्ट के अंदर आपके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को आप लेकर आ सकते हो. लाइक अगर आपको राइटिंग स्किल है तो उसमें आपके सब टॉपिक्स क्या हैं और आपको किसे पढ़ना है, इफ इट इज योर लिट, मतलब कि इफ इट इज योर बुक, लाइक आपका मैथ्स है या फिर इट इज योर बिजनेस स्टडीज है, तो कौन सा टॉपिक है जो आपको एक चैप्टर में नहीं आ रहा, और उससे रिलेटेड टॉपिक, लाइक बहुत सारे बच्चों को जो है डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इफ यू आर नॉट, तो उससे उसे पहले निकालिए वो किस टॉपिक के अंदर आ रहा है और उसके सब टॉपिक. एंड इन दिस मैनर इफ यू आर गोइंग विद द पोमोडोरा मेथड, अपने जो आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपने अलग कर दिया है. इट शुड नॉट बी, देखिए बच्चा, एक गो में अगर आप सब कुछ करोगे, आज मैंने उठाया स्टाफिंग, आज मैं पूरा स्टाफिंग कर लूंगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर आपको लगता है आप एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे तो दैट मे बी रिजल्टिंग इन जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर्स ऑफ नन.
इफ यू वॉन्ट दैट इट शुड बी मास्टर्स ऑफ ऑल, आपको हर चीज में मास्टरी करनी है एंड यू नीड टू गेट 100% इन योर बोर्ड्स. तो इट इज नॉट टूडे, इट इज नाउ, इट इज नॉट मैं कल कर लूंगा. हिंदी में कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. तो यू हैव टू टेक इट, यस आज, क्योंकि देखिए बच्चा बीच में जो दिवाली है या जो भी फेस्टिवल टाइम है उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते. दैट्स अ सेलिब्रेशन एंड दैट शुड बी देयर. सेलिब्रेशन, फेस्टिवल मूड, ये सब एक तरफ जाता है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू फोकस ऑन अवर बोर्ड प्रिपरेशंस. एक तरफ आपके प्री बोर्ड्स भी चलेंगे, आपका हो सकता है स्कूल के अंदर यू मे बी हैविंग अदर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, बट फॉर द सेल्फ स्टडी यू नीड टू चंक योर सेल्फ, अपने आप को आपने अपने पूरे 24 घंटे में. अब आप देखिए आपको कौन सा टाइम बिल्कुल सूट करता है, व्हेन यू डोंट हैव एनी क्लासेस, व्हेन यू आर नॉट, आप उस दिन आप ऐसे भी कर सकते हो जिस दिन आपके बहुत सारे क्लासेस होते हैं उस दिन आप आधा घंटा, जिस दिन कम है आप उस दिन 1 घंटा ले सकते हो, यू कैन ऑल्सो, एंड जिस दिन आधा घंटा उस दिन आप उन टॉपिक्स को ले सकते हो जो आपको मतलब की विच विल बी हेल्पिंग, एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट कनेक्ट विद योर टीचर्स जो आपको टीच करते हैं, या कहीं पर भी इफ यू आर गोइंग टू सम यू नो इंस्टीट्यूट और वहाँ कर सकते हैं एंड आस्क देम टू रिवाइज विद यू, दैट वुड हेल्प यू आउट थरोली. तो वेदर यू आर अ स्टूडेंट हु इज इन क्लास 10, 10 के अंदर आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST एंड ऑफकोर्स आजकल कंप्यूटर इज ऑल्सो देयर. तो नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन से सब्जेक्ट को, एंड डोंट पुट एनी सब्जेक्ट फॉर द लास्ट मिनट. अरे इंग्लिश तो ऐसा है जो मैं आखिरी में कर लूंगा, तो नो सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी आखिरी में, राइट? एवरी सब्जेक्ट, एवरी लैंग्वेज हैज टू बी गिवन द इक्वल इम्पोर्टेंस. हाँ आप उसके टाइम को थोड़ा कम कर सकते हो, इफ यू फील यू आर मोर कॉन्फिडेंट, तो आप उसमें 45 मिनट्स वाले में आप मैथ, साइंस, हिस्ट्री वाला ले सकते हो, इंग्लिश और हिंदी को आप 30 मिनट्स वाले स्लॉट में रख सकते हो. एंड फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स हु आर इन साइंस स्ट्रीम और से इन ह्यूमैनिटीज, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, नाउ यू माइट बी नोइंग कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, और उस सब्जेक्ट के अंदर भी मे बी देयर इज वन पर्टिकुलर कंसेप्ट और वन पर्टिकुलर बुक और वन पर्टिकुलर आपका चैप्टर जो आपको लगता है मुझे दोबारा रिवाइज करना. तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, सबसे पहले तो अपना टॉपिक बनाइए, सब टॉपिक्स बनाइए, और उसके बाद अपने टाइम को सेट करिए, टाइम टेबल रखिए, अपने आगे रखिए, एंड ऑल्सो रिवॉर्ड योर सेल्फ. जब आपकी पूरा 30 मिनट कर लेते हो ना, तो खुद को पैट करो, यस आई हैव डन इट, यस आई हैव डन. अपने लिए एक चॉकलेट रखो, वट एवर यू फील, आपको जो रिवॉर्ड अच्छा लगता है आप वो रिवॉर्ड अपने लिए लो, नॉट iPhone 16 Pro, ठीक है ना, वहां तक नहीं जाना है. आप अपने लिए छोटे छोटे से रिवॉर्ड रखो, यस आई हैव डन दिस वॉच. मतलब अगर आपको लगता है 5 मिनट्स के ब्रेक में यू वॉन्ट टू वॉच सम कार्टून, करो. अपने आप को लाइट रखो, जितना लाइट रख सकते हो उतना रखो. एंड फॉर दीज 3-4 मंथ्स आई पर्सनली से नो पार्टी टाइम. हाँ घर में फैमिली टाइम इज देयर, दैट इज मोर देन इनफ. अभी थोड़ा अगर हम चीजों को थोड़ा सा साइड करते हैं, इट विल नेवर बी अ हर्ट, इट विल नेवर बी अ हर्ट, दीज आर ऑल गोइंग टू. एंड इफ यू आर डूइंग ऑल दीज प्रैक्टिस आप कर रहे हो, पूरा रिविजन अपना कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एंड यू आर सॉल्विंग द PYQs दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड जो आपका करंट सिलेबस जो आपको CBSE ने अभी नया दिया है उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो बिलीव मी नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 100 इन एनी सब्जेक्ट. अगर आप अभी तक सो रहे थे तो आप जाग जाइए, तो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा. नाउ इट इज अ मॉर्निंग टाइम, टू स्टार्ट पुल योर सॉक्स एंड स्टार्ट वॉट वी कॉल एज प्लानिंग एंड प्रैक्टिस, राइट? आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 10 एंड 12 प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स, एंड दे आर गोइंग टू ऑल्सो कमेंड मी बैक, यस मैम दिस स्ट्रेटजी वर्क एंड वी आर गोइंग, वी हैव स्कोर फुल मार्क्स, राइट? तो बाय.